हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल है? आई होप सब बढ़िया होंगे। चलिए, और आज मैं लेकर आया हूं मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2। उम्मीद है आप लोगों ने लेक्चर नंबर 1 यानी कि बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ ली होगी। अगर किसी स्टूडेंट ने बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, देखिए, उसका लिंक है। बेसिक प्रोबेबिलिटी वाला लेक्चर देखिए जो मैंने एक दिन पहले डाला था। बेसिक प्रोबेबिलिटी में मैंने आपको सबको समझाया था कि बिल्कुल जिसको कुछ नहीं आता, 10th का प्रोबेबिलिटी भी नहीं आता, वो कैसे स्टार्ट करे प्रोबेबिलिटी क्लास 12th की। तो वो मैंने बेसिक से स्टार्ट करवा दिया आपका, और मैंने वहां पर आप लोगों का काफी करवाने के बाद, बेसिक करवाने के बाद एक टॉपिक करवाया है। उस टॉपिक को अपन कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? किसी इवेंट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी कि ये काम कब होगा। जब कोई एक पर्टिकुलर इवेंट हो चुका हो, कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन हो चुकी हो, तब किसी इवेंट का होना और उसके होने की प्रोबेबिलिटी को अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। यानी कि पर्टिकुलर एक गिवन कंडीशन के बाद अपन को किसी और चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, मैंने आपको वहां पर बेसिक करवा दिया था, अभी मैं आपको उसका एक बेसिक फॉर्मूला लिखवा रहा हूं, थोड़ा सा उसको रिपीट कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, फिर आज कुछ बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में क्या बताया था। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब P B/A। अब यहां पर B क्या होता है? B एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट। और A क्या है? A भी एक इवेंट है, पर बात यह है कि ये हो चुका है। ठीक है ना, इट इज गिवन, मतलब ये इवेंट होने के बाद इस इवेंट के होने की क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आई? अगर ये इवेंट हो चुका है तो इसके होने की प्रोबेबिलिटी को अपन लिखते हैं B/A। और अगर उल्टा होता, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती और अगर बी हो चुका होता तो A/B। तो B/A में B क्या है? B वो चीज है जिसकी प्रोबेबिलिटी अपन को निकालनी है, और A क्या है? A वो इवेंट है जो हो चुका है। तो B/A इसको अपन लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A। देखो क्लास, मैं प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B लिखूं या प्रोबेबिलिटी B इंटरसेक्शन A लिखूं, बात बराबर है। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन टर्म होती है। ठीक है, जो नीचे है, जो इवेंट हो चुका है, उसको नीचे लिखते हैं। ये अपन को बस अब लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन है, मैंने पिछले वीडियो में आपको कई तरह के क्वेश्चन करवाए थे, बट अब अपन आते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चन पे। लैंग्वेज वाले क्वेश्चनों में क्लास अपन को ई और एफ पहचान लिया अगर तुमने, तुम्हारा सारा गेम सेट हो गया। मैं उसी की प्रैक्टिस करवाने आया हूँ। हो सकता है जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ वो तुम्हें कर लिए हो तुमने, बट मेरा जो मेथड है उस मेथड को अगर आप फॉलो करोगे तो और बड़े लेवल के जो क्वेश्चन है कभी दिक्कत ही नहीं है। मेथड क्या है? तो आप क्वेश्चन के नाम पे मेथड समझते हैं। ठीक है, इसको उतार लो, इसको मिटा दो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ जी क्लास, तो अपन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज की वीडियो का क्या है वो देखिए। अ फैमिली फैमिली है वो, ठीक है ना। अ फैमिली हैज टू चिल्ड्रन, एक परिवार में दो बच्चे हैं। What is the probability that both the children are boys, given that one of them is a boy? अब आप खुद सोचो। सबसे पहले मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था सैंपल स्पेस बनाना। तो सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस, एक परिवार में दो बच्चे हैं, और जाहिर सी बात है क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस चीज की प्रॉबिलिटी बताओ कि वो दोनों के बच्चे बॉयज हो। गिवन क्या है? गिवन दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय, मतलब ये कंफर्म है कि एक बॉय है। तो कौन सी प्रोबेबिलिटी हो चुकी है, मतलब कंडीशन क्या है कि एक लड़का तो है। ठीक है, तो सबसे पहला करना क्या है, क्वेश्चन का सैंपल स्पेस बनाओ। अगर किसी परिवार में दो बच्चे हैं, ठीक है, और दो बच्चे हैं और फेज क्या क्या है कि बॉय और गर्ल, तो कितनी प्रोबेबिलिटी हुई? 2 की पावर 2 4। बॉय बॉय कॉमा बॉय गर्ल कॉमा गर्ल बॉय एंड गर्ल दिस इज अ रिक्वायर्ड अपनी कंडीशन। ये सैंपल स्पेस है कि सर पहला बच्चा बॉय, दूसरा भी बॉय, पहला बॉय दूसरी गर्ल, पहली गर्ल दूसरा बॉय, दोनों गर्ल। अब ये सैंपल स्पेस है, ये बनाना जरूरी है भले क्वेश्चन इजी हो या टफ।
जब तक आप बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हो जाते, जब तक सैंपल स्पेसिंग बनाते रहिएगा। चलिए अब क्या पूछ रहा, अ फैमिली ऑफ टू चिल्ड्रन, तो उसका तय हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देखो यहां पर निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बोथ द बॉयज, प्रोबेबिलिटी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द चिल्ड्रन आर बॉयज, तो ये ई हो गया, ई ई इवेंट जो होता है, ठीक है ना। ई बाई एफ सिखाया था मैंने आपको, ए बी कह लो, ई और एफ कह लो, अगर मैं इसको ई लिखता हूं बी को और इसको एफ लिखता हूं, मैं एक्चुअल में इसको इसलिए लिख रहा हूं, बाकी तो आप कैसे भी लिख लें, क्योंकि जो मैंने लास्ट लेक्चर करवाया था उसमें ई और एफ करके था, है ना। तो ई इवेंट वो है जो आप हमको निकालना है, तो यहां पे निकालना क्या है, तो सबसे पहले तो उसको लिख दो, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, ये आप हमको निकालना है। तो सबसे पहले आप हमेशा ई इवेंट के बाद कभी ब्रेसेस में उसको एज अ लैंग्वेज लिखेंगे क्वेश्चन की तरीके से। अब सैंपल इसमें से, सैंपल स्पेस में से इसको फॉलो करो, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, तो ऐसी कितनी कंडीशन है, एक कंडीशन है, उसको लिख लो। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में इसका फॉर्मूला बताया था, बेसिक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये बताइए ये कितने आउटकम्स हैं, एक, कितने में से, चार में से, तो प्रोबेबिलिटी ई इवेंट के होने की 1/4 हो गई। बात समझ में आई, बहुत सिंपल सी बात थी। नंबर ऑफ अकरेंस कितने हैं, बी और बी यानी कि एक है, कितने में से, चार में से, तो नंबर ऑफ अकरेंस इज 1 फ्रॉम टोटल नंबर यानी कि 4, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी। अब मैं आपको बता दूं कि एफ क्या है, एफ पहले तो लिखो समझो, गिवन क्या है, मैंने कहा था गिवन जो हो चुका है या जो गिवन है वो आपका एफ होगा, गिवन दैट वन ऑफ देम इज अ बॉय, तो वन ऑफ देम इज अ बॉय, बात समझ पा रहे हो, ये इवेंट हो चुका है, ये गिवन है, इस कंडीशन के गिवन होने के बाद इसका अकरेंस पूछा है, ठीक है, तो वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब इसमें से वो उतारो जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, कि साहब एक तो लड़का हो ही हो, अब आप बताओ वन ऑफ देम इज अ बॉय में एक कंडीशन है, दो कंडीशन है, क्या इस कंडीशन को लेंगे अपन, एक तो है ही ना इसमें, बिल्कुल अपन लिखेंगे बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय, क्या ये इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, यस सर। अब इसकी प्रॉब्लम कितने इवेंट है क्लास, ये इवेंट है 3, 1, 2, 3, कितने में से, 4 में से, तो 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब क्या बचा, अब बचा इंटरसेक्शन निकालना, ई इंटरसेक्शन एफ। अब देखो इसका फायदा अब मिलेगा इस स्टेप का, कई बच्चे क्या करते हैं कि ये स्टेप नहीं करते, वो फंसते हैं, तो इसमें से कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मतलब क्या सिखाया था, कॉमन टर्म बताओ क्या कॉमन है, सर बी और बी कॉमन है, तो उसको भी लिखो आप, बी और बी। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। अब ये कितना इवेंट है, एक, कितने में से, टोटल 4 में से, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपन की प्रोबेबिलिटी ई और एफ, इवेंट क्या है कि निकालना क्या है, बोथ द चिल्ड्रन आर बॉय, गिवन क्या था, वन ऑफ देम इज अ बॉय। अब इसका फॉर्मूला बेसिक वाला, पी बी इंटर सॉरी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, इसकी वैल्यू बताइए क्या है, 1/4, और पी एफ की वैल्यू कितनी है, 3/4, आंसर आपका 1/3। तो आपका आंसर आया कि इस चीज के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है, कि आपका अगर पहला बच्चा लड़का है तो दूसरा भी लड़का ही होगा। तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, बेसिक प्रोबेबिलिटी पर है, आपका सारा फोकस होना चाहिए ई को एफ को पहचान कर इस तरीके से लिखना है, पहले लैंग्वेज की फॉर्म में लिखो जो क्वेश्चन में गिवन है, उस चीज को सैंपल स्पेस में से ढूंढो। तो सबसे पहला काम है सैंपल स्पेस का बनना, दूसरा काम है ई इवेंट का लिखना, फिर ई इवेंट को यहां से पहचान के उसकी वैल्यू लिखना, टर्म्स लिखना, फिर प्रोबेबिलिटी निकालना। इस मेथड से करोगे जिंदगी में गलत होगा ही नहीं। इसको उतार लो, दूसरा क्वेश्चन करते हैं।
तो आइए क्लास क्वेश्चन नंबर टू. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर टू? अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं. पढ़ते हैं, देखते. मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली फोटोग्राफ. मदर फादर एंड सन रैंडमली अरेंज हो गए फैमिली फोटोग्राफ के लिए, कभी कोई पहले कभी कोई बाद. ठीक है, इवेंट रिलेटेड टू इट. इस पूरी कहानी में मतलब कौन पहले खड़ा हुआ कौन बाद में खड़ा हुआ, दो इवेंट रिलेटेड है ए और बी. ए इवेंट है सन ऑन वन एंड, एक एंड पे सन हो, चाहे शुरुआत में हो चाहे अंत में हो. और बी है फादर इन मिडिल, पिताजी जो है वो बीच में है. एंड वी हैव टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी. तो बात समझ में आ गई. अपन के क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि माताजी हैं, पिताजी हैं और उनका पुत्र है, वो तीनों एक अरेंज करने हैं उनको, अपन को कभी कोई पहले कभी कोई बाद में, इस तरीके से. क्या हो चुका है कि पिताजी मिडिल में है? अगर पिताजी मिडिल में है तो बच्चा किसी एक एंड पर ही हो, इस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब आप इसको सॉल्व करते हैं. सबसे पहले सैंपल स्पेस. अब इस प्रकार के क्वेश्चनों का सैंपल स्पेस बनाने में दिक्कत आती है. कितने लोग हैं भाई? अपन इस तरीके से बात करके लोग कितने हैं कि तीन. तो यहां पर उस फेज वगैरह का कोई काम तो है नहीं, क्वाइन डाइस पर. तो इसको कैसे कर दें? तो इन तीनों लोगों को अपन एक एक करके देखो. मेरी बात को समझना कि मदर को मैंने रखा शुरुआत में, किसी को भी पहले लिख लो, फादर को लिख लो, सन को लिख लो. अब मदर को फिर से बीच शुरुआत में ही रखा, इन दोनों को इंटरचेंज कर. तो अगर माताजी शुरुआत में है तो ये दो ही कंडीशन पॉसिबल है, या तो इधर फादर हो या फादर लास्ट में हो. तो ये मदर की दो कंडीशन हो गई. अब फादर की कंडीशन है, लो फादर स्टार्टिंग में है, मदर और फिर सन. अब इनको इंटरचेंज कर दो, तो फादर स्टार्टिंग में है, सन इधर और मदर इधर. लास्ट में सन को पहले ले लो, फादर मदर, या सन को शुरुआत में और इन दोनों को इंटरचेंज कर दो. तो मेरे ख्याल से आपको इसका सैंपल स्पेस समझ में आया होगा कि मदर को स्टार्टिंग में रख दिया, पिता पुत्र को इंटरचेंज कर दिया, है ना, दो वो इवेंट हो गए. फिर फादर को स्टार्टिंग में रख दिया, मम्मी को और बेटे को इंटरचेंज कर दिया. इस तरीके से ये क्वेश्चन इवेंचुअली हो रहा है. ये आपका सैंपल स्पेस बन गया, सिंपल है. अच्छा, अब अपन बात करते हैं एक इवेंट क्या है. तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, जो लैंग्वेज है वो ही लिख दो. सन ऑन वन एंड, ठीक है, अच्छी बात. अब इसको इसके हिसाब से इस मैसेज को आंसर करके, एक एंड पे सन हो तो देखो इसमें एक एंड पे सन है, यस सर. इसमें तो बीच में है, इसमें एक एंड पे सन है, यस सर. इसमें फिर से बीच में, इसमें एंड पे शुरुआत में और इसमें शुरुआत में है. तो दो में अंत में है, दो में शुरुआत में है. तो ये चारों लिख लो इधर. मदर फादर सन, सॉरी फादर मदर सन, सन फादर मदर, सन मदर फादर. कितने हो गए? अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो. कितने हैं क्लास? एक दो तीन चार. कितने में से? सर छह में से. तो ये क्या हो गई? नंबर ऑफ अकरेंस अपॉन टोटल अकरेंस, यानी कि 2/3. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर ए अपन के पास 2/3. समझ में आया? इजी क्वेश्चन है. अब अपन पढ़ते हैं बी को. तो सर बी क्या है? तो पहले बी को लिखेंगे. बी क्या है? फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल, ठीक है ना. अब इसको अपन सैंपल स्पेस में देखेंगे. फादर मिडिल में कितनी जगह है? एक और दो, बस दो ही जगह. तो ये लिखा पहले मैंने, मदर फादर सन कॉमा सन फादर मदर. समझ में आ गया? ऐसे दो ही इवेंट थे. तो दो हैं, कितने में से? छह में से. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो गया? 2/6, यानी कि 1/3. तो क्या अपन को बी इवेंट होने की प्रोबेबिलिटी मिल गई है? 1/3, यस सर. अब अपन बात करते हैं कि कॉमन क्या कहता है इसमें. मतलब ए इंटरसेक्शन बी, तो मतलब कॉमन. अब आप कॉमन कब निकाल पाओगे? जब आपके पास ये और ये लिखा होगा. अगर ये और ये नहीं लिखा है तो आप फंस जाओगे. तो इसमें देखो और इसमें देखो कॉमन क्या क्या है. एम एफ एस, एम एफ एस ये रहा, एस एफ एम, एस एफ एम. तो ये दोनों ही चीज कॉमन है, ठीक है. एम एफ एस और एस एफ एम ये दोनों ही कॉमन थे. ये है कितने? तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर अपन देखें
तो ये है दो इवेंट, कितने में से, छह में से, कितना आया 1/3, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी भी 1/3। अब क्वेश्चन में पूछा था अपन से फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी थी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, तो बताओ पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 1/3, इट इज 1/3, और ये बी, ये बी है 1/3, तो ये भी 1/3, आंसर कितना 1, मतलब 100% है। ऐसा कैसे हुआ, तो मैं आपको देखना भी सिखा देता हूं। 1 का मतलब क्या बताया था, श्योर इवेंट। ये बताओ कि कंडीशन गिवन क्या थी, उधर देखो बी क्या है, फादर इन द मिडिल, पिताजी बीच में है, और अगर पिताजी बीच में, मैंने क्या कहा था ये कंडीशन है, तो अगर पिताजी बीच में है तो बच्चा किसी एक एंड पे ही होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये रहा सिंपल स्टेप, पिताजी बीच में था, कहां पर है, ये रहे और ये रहे, इसके अलावा पिताजी के बीच में है क्या, नहीं 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 नहीं। अब पिताजी अगर बीच में है, यानी कि मेरे पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रह गए, तो जो लड़का है कॉर्नर में ही होगा, देखो दोनों में कॉर्नर में ही, तो 100% हुआ ना, अगर पिता बीच में है तो बच्चा कहां है, साइड में, तो इसको अपन क्या कह रहे हैं, श्योर है, होगा ही होगा, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड श्योर इवेंट 100%। तो उम्मीद समझ में आया होगा, इस क्वेश्चन को फटाफट उतार लेते हैं अपन। अजी क्लास, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3, देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइसेस आर डिफरेंट, ये गिवन है कि अगर मैं दो डाइसेस को फेंकता हूं तो उनमें जो नंबर आता है वो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है मतलब 1-1 नहीं आता, 2-2 नहीं आता, 3-3 नहीं आता, 4-4 नहीं आता, 5-5 नहीं आता, 6-6 नहीं आता, तो क्या यही बात ये क्वेश्चन बोल रहा है, कि यस, मतलब दोनों नंबर जो है वो सेम नहीं होते, दोनों नंबर कैसे होंगे, डिफरेंट नंबर, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, क्या पता करना है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पता करनी है, तो सम है, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइसेस इज 4, दोनों डाइस पे कुल मिला के जो नंबर आया वो कितना है, 4। क्वेश्चन क्लियर है, आओ करते हैं इसको, बहुत सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले तो अगर मैंने दो डाइसेस फेंकी हैं तो सैंपल स्पेस कितना हो जाएगा, 36, मैं बनाऊंगा नहीं पूरा, 1.1, 1.2, 1.6, ठीक है, टाइम लग जाएगा, 2.1, 2.2, 2.6, 3.1, 3.2, 3.6, 4.1, 4.2, 4.6, 5.1, 5.2, 5.6, 6.1, 6.2 और 6.6, ये पूरा सिंपल स्पेस बनेगा, दो डैश को अपन थ्रो करते हैं। अब देखो गिवन क्या है, गिवन दैट, तो गिवन तो होता है एफ, और ई क्या होता था, जो निकालना है, तो पहले अपन ई इवेंट लिखते हैं, की बात है वही लिखते हैं पहले अपन, ई क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, ये अपन को पता करना है, तो ये ई इवेंट हो गया, तो सबसे पहले अपन यही निकाल लेते हैं कि सम 4 होना चाहिए, तो मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप जाओगे 1.3 पर, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 4, तो एक सेट हो गया 1.3, इधर कितना है 2.2, तो जब आप 2.2 पर जाओगे तो भी 1, इन दोनों को जोड़ो 3 आएगा, 2 और 2 को जोड़ो 4 आएगा, 2 और 3 आएगा, इसके बाद उनको जोड़ोगे तो 5 हो जाएगा। अब यहां पर आओ 3.1, इन दोनों को जोड़ोगे आप तो भी 4 आएगा, इसके अलावा को जोड़ोगे तो 4 नहीं आएगा, उसके अलावा तो 4 से स्टार्ट होगा, 4 और 1 5 आएगा ही नहीं, 5 6 ये सब नहीं होगा, तो सिर्फ अपन का ये जो कंडीशन है सेटिस्फाइड हो रही है इन तीन इवेंट में, इन तीनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आएगा 4, इसके अलावा आप किसी को भी जोड़ोगे तो आंसर 4 नहीं पहुंचेगा आपका, ठीक है, पहली बार। अब ये तो हो गया इवेंट, तो ये कितने इवेंट है, 3, कितने में से, 36 आंसर आया 1/12, बड़े है ना, 12/36, ये आपका हुआ ई इवेंट। अब अपन बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, सॉरी जो एफ है अपन का, एफ अपन को अब निकालना है, तो एफ यहां पे निकालते हैं अपन, एफ इवेंट क्या है,
F event, the two numbers appearing on throwing two dices are different. Both numbers are different. अभी बताओ सैंपल स्पेस कितने का था तुम्हारा? 36 का. उसमें से सेम क्या क्या था? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 इनको हटा दो कितने बचे? 36 बचे. 36 में से छेड़ गए 30 बचे, वो आपका एफ है. अब पूरा लिखेंगे क्या? नहीं. 1, 2 1, 3 से 1, 6 कॉमा 2, 1 2, 3 2, 2 नहीं है से लेके 2, 6 समझ में आ गया. 3, 1 3, 2 3, 3 नहीं लिखेंगे 3, 4 और 3, 6 4, 1 4, 2 4, 3 4, 4 नहीं लिखेंगे 4, 5 आएगा और फिर 4, 6 आ जाएगा. ठीक है. अब 5, 1 से 5, 4 5, 6 5, 5 नहीं आएगा. फिर 6, 1 से 6, 2 होता हुआ 6, 5 पे अंत हो जाएगा 6, 6 नहीं आएगा. तो ये कुल कितने इवेंट हुए क्लास? ये इवेंट हुए अपन के 30. तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर मैं निकालूं तो ये 30 आए हैं 36 में से. ठीक है. तो ये आ गया आपका 5/6 6 से अगर अपन ने काट दिया इसको तो ये इवेंट एक अपन का हो गया. अब अपन बात करते हैं कि इंटरसेक्शन क्या होगा. तो अपन का इंटरसेक्शन ई बाई एफ. आ देखो गौर करते इस सब में क्या नहीं है. 1, 1 2, 2 नहीं है. मतलब इस इन तीन में से और इसमें से देखोगे तो इसमें बस आपको 2, 2 नहीं मिलेगा. बाकी 1, 3 मिल रहा है और 3, 1 मिल रहा है उसको इसमें देखोगे तो आपन का कॉमन क्या क्या आया? 1, 3 और 3, 1. सिंपल. इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने पर चले अपन तो ये 36 में से यानी कि 1/18. क्लियर कर बात? कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया. अब अपन के पास सब कुछ आ चुका है. अब ये बताओ क्वेश्चन में अपन को निकालना क्या था? अपन को निकालना था पी. पी इवेंट कब होगा? जब एफ हो चुका होगा. तो अपन का क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला है ये अपॉन पी एफ. ये कितना आया था? 1/18 है ना. अभी अभी ऊपर ही ऊपर आया 1/18. और पी एफ कितना आया है अपन का? 5/6. तो 1/18 इंटू 6/5 ये 3 बार कट जाएगा. आंसर आपका आएगा 1/15. ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ. तो उम्मीद है ये भी समझ में आया होगा. सारा गेम किसका है? क्वेश्चन में से ई को समझना, एफ को समझना, उसको लैंग्वेज में लिखना और उसको फिर सेट की फॉर्म में लिखना. इसको उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्लास अपना क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10 आर प्लेस्ड इन अ बॉक्स एंड मिक्स्ड अप थ्रूली एंड देन वन कार्ड इज चूजन या ड्रॉन रैंडमली. इफ It is known that, ये पता है, known that the number on the card drawn is more than 3, then what is the probability that it is an even number? मैं समझा रहा हूं हिंदी में कि आपन ने एक डब्बा लिया. डब्बे में आपन ने 1 से लेकर 10 तक के कार्ड समझा चुका हूं क्या कहानी है, डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया, उसको रैंडमली आपन ने मिला दिया. अब उसके बाद मैंने उसमें से रैंडमली कोई एक कार्ड चूज किया. तो अब देखो दो कंडीशन. गिवन क्या है? गिवन दैट इफ इट इज, ये गिवन है कि अगर, अगर का मतलब ये गिवन है. इफ इट इज नोन दैट, ये हमको पता है कि जो नंबर है वो मोर देन 3 है, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो एक इवन नंबर होगा जो चूज किया है. तो जैसा कि मैंने आपको सिखाया है, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओ. तो क्लास एक बात बता, जब आप इसका सैंपल स्पेस करेंगे तो 10 में से कोई सा भी कार्ड हाथ में आ सकता है. तो सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 में से कोई सा भी नंबर आ सकता है. हमको पता क्या है कि जो कार्ड हमने चूज किया है वो मोर देन 3 है. तो ये एफ हो गया. और ई क्या होता है? ई जो हमको निकालना है, क्या निकालना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर. तो ई यानी कि ड्रॉन कार्ड इज ऑफ एन इवन नंबर.
जो कार्ड आप पिक करेंगे वो कैसा होगा, इवन नंबर का होगा। तो सबसे पहले इवन नंबर लिख लो आप, मैंने यही सिखाया आपको कितने इवन नंबर होते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, ये इवन नंबर्स की गेम है। अब इस इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5 नंबर है, कितने में से, 10 में से, हाफ, आधे इवन नंबर होते हैं, जैसी बात है हाफ प्रोबेबिलिटी आ गई। अब अपन बात करें कि एफ इवेंट कौन सा है, एफ, तो एफ का मतलब जो हमको पता होता है, क्या पता है, द नंबर ऑन द कार्ड इज ड्रॉन इज मोर देन 3, नंबर ऑफ द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। इसको लिख लो, 3 से बड़े कार्ड कौन कौन से होते हैं, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ऐसी बात है ये नंबर जो है वो मोर देन 3 होते हैं। अच्छा ये है कितने, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए चलते हैं अपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/10, 10 में से 7 कार्ड जो है वो 3 से बड़े हैं, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब निकालते हैं अपन E इंटरसेक्शन F कॉमन। अब देखो ये काम आया, अगर ये स्टेप नहीं लिखते तो कॉमन कैसे निकालते हैं आप, तुक्काबाजी करते हैं, 1, 2, 3, 4, इतने में से इसमें से कॉमन देखो क्या क्या है, 2 है क्या उसमें, नहीं है, 4 है क्या उसमें, हाँ सर 4 है, 4 के बाद देखो 6 है क्या, 6 है सर, उसके बाद 8 है क्या, है सर, उसके बाद 10 है क्या, है सर। तो ये इन दोनों में कॉमन नंबर्स ये हैं जो इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, देख लो। अब इनकी प्रोबेबिलिटी निकालो आप, बहुत सिंपल है क्लास, कितने नंबर है, 1, 2, 3, 4, कितने में से टोटल प्रोबेबिलिटी 10 थी, तो 2/5 ही आ गया। अब बेसिक फॉर्मूला लगा लो, आप उनको E by F चाहिए था, प्रोबेबिलिटी ऑफ E by F फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ये कितना आ रहा है 2/5 और PF कितना है अपने पास 7/10, तो 2/5 × 10/7, कितनी बार कट जाएगा क्लास, 2 बार, आंसर आ जाएगा 4/7। तो ये आपका इस चीज की प्रोबेबिलिटी हुई कि आपका आंसर 4/7 है। उतार लीजिए सवाल को, अगला सवाल करते हैं। अपना पांचवा सवाल क्लास, अपना पांचवा सवाल क्या है, अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को आपने 2 बार थ्रो किया, सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, जो नंबर आ रहे हैं डाइस पे 2 बार थ्रो करने पर, तो पहली बार जो थ्रो किया वो नंबर, दूसरी बार थ्रो किया वो वाला नंबर, उन दोनों का सम 6 आ रहा है। तो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 इज अपियरिंग एट लीस्ट 1, तो इस चीज की प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो जो 4 नंबर है वो कम से कम 1 बार आ रहा हो, 1 बार, चाहे पहली बार में चाहे दूसरी। तो देखो सबसे पहले एक एक कर काम करते हैं, इसके सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे। अब कितने डाइस है यहाँ पर आपन के पास, 2 डाइस, तो 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस बनता है 36 का। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाया, 6 का स्क्वायर 36, 1, 1, पहली में भी 1, दूसरी में भी 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 3, 1, 3, 2, ठीक है, और 3, 6, 4, 1, 4, 2, और ये 4, 6, 5, 1, और ये 5, 6, 6, 1, और लास्ट खत्म होगा 6, 6, ये सैंपल स्पेसिंग है। अब देखो आपको निकालना क्या है, जो निकालना होता है उस इवेंट को अपन ई कहते हैं, हर क्वेश्चन में बताता जा रहा हूं, आप लोग समझ चुके होंगे। ई कहां होता है, नीचे की तरफ, जो फाइंड करना होता है वो ई है। अब क्या फाइंड करना है, देखो व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 इज अपीयरिंग एट लीस्ट 1, जो नंबर 4 है वो एक ना एक बार आ रहा हो। तो जरा देखो नंबर 4 कहां कहां आ रहा था, वो अपने लिए ई हो जाएगा। देखो एक बार ये आ रहा है, आ रहा है 4 एक बार, तो 1, 4, 1, 4, अच्छा सेकंड रो में कहां आ रहा है, ये आ रहा है सर 2, 4, बिल्कुल आएगा 2, 4, थर्ड रो में कहां आएगा 3, 4 होगा ना यहां पे,
थ्री कॉमा फाइव से पहले, तो वहां आ जाएगा थ्री कॉमा फोर। अच्छा फोर्थ वाली जो रो है उसमें तो सारे छह के छह आ रहे हैं, जो फोर कॉमा फोर होगा उसमें भी एटलीस्ट एक तो चार है ही, तो अपन का फोर कॉमा वन, फोर कॉमा टू, फोर कॉमा थ्री, फोर कॉमा फोर, फोर कॉमा फाइव, फोर कॉमा फाइव, फोर कॉमा सिक्स। फाइव वाले में फाइव कॉमा वन, फाइव कॉमा टू, फाइव कॉमा थ्री नहीं आएगा, फाइव कॉमा फोर, और इसी प्रकार से सिक्स कॉमा फोर। ये अपन का ई है, ये पता करना है कि ऐसा कितनी बार हुआ कि एटलीस्ट वन टाइम फोर अपीयर हो, मगर एक कंडीशन के साथ। तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं अपन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट क्या है। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह, छत्तीस में से ग्यारह बार ऐसा हुआ है, ठीक है ना, ये इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी आ रही है। अब बात करते हैं अपन एफ की। एफ क्या है, द सम ऑफ द नंबर अपेयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी सिक्स, सम ऑफ नंबर इज सिक्स। अब बताओ ऐसा कितनी जगह हो रहा है कि जो नंबर्स का सम आ रहा हो वो छह हो। देखो एक तो ये हो रहा है फाइव वन कॉमा फाइव, इन दोनों का सम करो आप, वन कॉमा फाइव सम करो। दूसरे वाले में टू कॉमा फोर सम करो, छह आ रहा है, और कहीं आएगा क्या, ये देखो पांच है, ये हो गया सात, नहीं आ रहा। इसमें कहा आएगा थ्री कॉमा थ्री पे सम करो, छह आ रहा है, थ्री कॉमा थ्री, उसके अलावा नहीं। इसमें कहा आ रहा है फोर कॉमा टू पर, फाइव वाले में फाइव कॉमा वन सम छह आ रहा है, और सिक्स वाले में नहीं आएगा क्योंकि पहली टर्म में इन दोनों का सम कितना हो रहा है, सात हो रहा है। तो ये अपन के पास एलिमेंट्स आ गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी यहां निकालते हैं ऊपर, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितने इवेंट्स हैं, एक दो तीन चार पांच, कितने में से, 36 में से, तो 5 आउट ऑफ 36, ये अपन की प्रोबेबिलिटी बी की हो गई। अब निकालते हैं ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में से कॉमन देखो आ जाओ भाई, एक कॉमा पांच, जिसमें जो जिसमें कम हुआ करे ना उसको मैच कर दिया करो, वन कॉमा फाइव, वन कॉमा फाइव है क्या, नहीं है, टू कॉमा फोर, टू कॉमा फोर है, लिख दो यहां पर टू कॉमा फोर। उसके बाद थ्री कॉमा थ्री है क्या, नहीं है, फोर कॉमा टू है क्या, फोर कॉमा टू, फोर कॉमा टू है, फोर कॉमा टू। उसके बाद फाइव कॉमा वन है क्या, फाइव कॉमा वन, फाइव कॉमा वन नहीं है, तो आपने पास सिर्फ ये दो ही नंबर है जो कि कॉमन टर्म्स में आ रहे हैं, ठीक है क्लास। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी ई इंटरसेक्शन एफ की, टू बाय 36 बोले तो 1/80, क्लियर बात, 1/80। अब फॉर्मूला लगा लो, सिंपल सिंपल सा, पी ई बाय एफ यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। अब इसमें आएगा 1/80 और पी एफ कितना है ना, पी एफ पी एफ पी एफ 5/36, 5/36, तो ये कट जाएगा 2/1/18 इंटू 36 अपॉन 5, आपका आंसर आ गया 2/5 टाइम्स। क्या आपका आंसर, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, इनको फटाफट कर लो, इसको उतार लो। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है बाकियों से। ये क्वेश्चन है, कंसीडर अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, हमने 52 ताश के पत्तों की गठी ली, टू कार्ड्स आर ड्रॉन कंसेक्यूटिवली विदाउट रिप्लेसमेंट, दो कार्ड मैंने लगातार निकाले बिना वापस डाले, मतलब एक कार्ड निकाला बिना उस कार्ड को डाले मैंने कोई दूसरा कार्ड निकाल दिया, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर ऑफ क्लब, तो इस चीज की क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो दोनों कार्ड निकाले गए वो दोनों ही क्लब हो। तो देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए अपन को एक टर्म समझना जरूरी है, विदाउट रिप्लेसमेंट। पहली बात तो है कि इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस निकालता हूं तो 52 ताश के पत्तों में से कोई सा भी पत्ता हाथ में आ सकता है, तो बहुत सिंपल सी बात है, इसकी सैंपल स्पेस में ऑल 52 कार्ड्स इसका सैंपल स्पेस है, बात समझ में आई कि 52 ताश के पत्तों में से कोई सा भी आंसर आ सकता है, तो इसके सैंपल स्पेस ऑल 52 आंसर, ठीक है, ये हुआ। अब बात करते हैं कि सर हमको पता क्या है, हमको जैसे कि एफ इवेंट है, देखो समझना जो मैं कह रहा हूं, एक डब्बे में 52 पत्ते हैं, आपने पहला कार्ड निकाला वो क्लब आया, ठीक है, क्लब के कितने पत्ते होते हैं, 13, मैं पढ़ा चुका हूं, 13 हर्ट होते हैं, 13 डायमंड होते हैं वो रेड में चले गए, 13 क्लब और 13 स्पेड वो ब्लैक में चले गए, तो वो क्लब की बात चल रही है।
ठीक है, तो 13 पत्तों में से कोई सा भी पत्ता मेरा हाथ में आ गया, ये कंडीशन बोला है कि दोनों पत्ते क्लब, तो पहला पत्ता निकाला उसके क्लब होने की कंडीशन लिखते हैं आप। ठीक है, हमने पहला पत्ता निकाला, उस इवेंट को मैं एफ कह रहा हूं, इस इवेंट को मैं एफ कह रहा हूं, इसके क्लब होने की कंडीशन, तो क्लब में कुल मतलब द कार्ड इज क्लब, कार्ड इज क्लब, क्लब कितने पत्ते होते हैं क्लास, क्लब होते हैं 13 क्लब्स होते हैं, तो क्लब आने की प्रोबेबिलिटी बताओ जरा, 13 out of 52, टोटल पत्ते 52, उसमें से क्लब की कंडीशन 13, तो 1/4 इज द पॉसिबिलिटी कि क्लब आ गए। अब समझना ध्यान से, ये कोई ज्यादा महत्वपूर्ण चीज नहीं थी। अब मैं बात कर रहा हूं अपने दूसरे इवेंट की तरफ, दूसरा इवेंट भी क्लब होगा। अब देखो यहां पे शब्द लगा है भी, कि पहला कार्ड क्लब था, दूसरा निकालूंगा वो भी क्लब होगा, वो भी का मतलब पहला वाला क्लब होना जरूरी है, तो क्या ई इवेंट का एफ इवेंट पे डिपेंडेंसी है, दोनों कार्ड क्लब होंगे मतलब पहला कार्ड जो निकाला वो भी क्लब है, वो क्लब है तब दूसरा वाला निकाला वो भी क्लब आया, तो क्या मैं यह कहता हूं कि यहां पर जो ई इवेंट हो रहा है वो एफ होने के बाद ही होगा तभी सत्य माना जाएगा। हाँ, मतलब कि पहला कार्ड एफ यानी कि क्लब आ गया, अब दूसरा निकाला वो भी क्लब आना चाहिए, तो अगर सिर्फ ये कार्ड क्लब आता तो ये क्वेश्चन ही गलत था, हो ही नहीं सकता था, तो हमने पहला कार्ड ड्रॉन किया वो कार्ड कैसा आया, क्लब आया, तब दूसरा कार्ड निकालूंगा वो भी क्लब आएगा, इस प्रकार का ये सवाल है। तो पहला कार्ड यानी कि एफ यानी कि क्लब आ चुका है, दूसरे कार्ड के क्लब आने का इंतजार है। अब ये बताओ कि अगर मैंने पहली बार 13 पत्तों में से एक पत्ता निकाल लिया था तो अब क्लब के पत्ते कितने बचे थे, 12, और टोटल 51 में से कितने बचे थे, सॉरी 52 में से कितने बचे थे, 51, क्योंकि आप ये समझिए कि टोटल जो पत्ते निकले उनमें से निकला था पहला वाला क्लब, तो पहले वाले क्लब में अब टोटल संख्या रह गई 12 और 52 के बजाय रह गए 51, तो ये कंडीशन अपन की गिवन है क्वेश्चन, इधर ई इवेंट नहीं गिवन, इधर गिवन है ई बाई एफ, कि एफ होने के बाद ई हुआ है, मतलब पहला कार्ड क्लब आया है उसके बाद दूसरा कार्ड क्लब आया है, तो ये ई इवेंट एफ इवेंट होने के बाद हुआ है। कंडीशन पहली क्या है कि पहला कार्ड क्लब हो, उसके बाद दूसरी कंडीशन है कि दूसरा भी क्लब होना चाहिए। अब फिर निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर क्लब, पहला कार्ड क्लब दूसरा कार्ड क्लब मतलब दोनों कॉमन होने चाहिए, दोनों क्लब होने चाहिए, क्लब है मतलब दोनों कैसे हैं, कॉमन है, यानी कि अपन को कॉमन थिंग निकालनी थी, कॉमन थिंग बोले तो इंटरसेक्शन, ये निकालना, तो फॉर्मूला वही लगेगा, e by f is equals to p e intersection f upon pf, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं e by f dot pf is equals to p e intersection f, ये वाली टर्म यानी कि e by f ये रही 12/51 और pf pf ये रहा 1/4, ये 3 टाइम्स कट जाएगा और ये 51/17 टाइम्स कट जाएगा, तो ये प्रोबेबिलिटी आपकी आ गई 1/17 आंसर है ना। थोड़ा अलग क्वेश्चन था कि ये इवेंट होने के बाद ये इवेंट हो रहा है, पहला कार्ड क्लब आया फिर मैंने दूसरा निकाला वो भी क्लब आएगा, तो ये पहले इवेंट होने के बाद दूसरा इवेंट हो रहा है, गॉट इट। इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ही हलवा कर दिया, a dice is thrown, a dice फेंकी गई, find the probability that obtained number is divisible by 3, ठीक है, इस चीज की प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो नंबर आया है वो 3 से डिविजिबल होगा इफ ऑब्टेन नंबर इज इवन। इन क्वेश्चनों को तो तुम कच्चा खा जाओगे यार, कुछ नहीं है, बस पहचानना है ई क्या है एफ क्या है। सबसे पहले सैंपल स्पेस लिया, सैंपल स्पेस एक डाइस थ्रू की गई है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ सकता है, खत्म मत। ई इवेंट यानी कि क्या निकालना है, जो निकालना है वो ई इवेंट होता है, जो पता है वो एफ इवेंट होता है, तो ई क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑब्टेन नंबर इज डिविजिबल बाय 3, तो ई है ऑब्टेन नंबर इज डिविजिबल डिविजिबल बाय 3। अब 3 से डिविजिबल नंबर लिख लो फटाफट, 3 और 6, इसमें सिर्फ 3 से ये डिवाइड होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कितने नंबर है, 2,
कितने में से 6 प्रोबेबिलिटी 1/3 जो डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है ना। अब आते हैं अपन एफ पर। एफ इवेंट गिवन है क्या? इफ, हाँ कंडीशन गिवन। क्या कंडीशन है? इफ अगर ऑब्टेन नंबर इज इवन, ऑब्टेन नंबर इज इवन। अब ये बताओ मेरे को इवन नंबर कौन कौन से हैं इस टेंपर स्पेस में? 2, 4 और 6। कुल कितने हैं? तो अपन बोलेंगे सर कुल 3 है। कितने में से? 6 में से। 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। अब आप निकालो इंटरसेक्शन, कॉमन कॉमन जरूर निकाल सकते हो जब ये लिखा हो आपने। देखो क्या कॉमन है, 3 है क्या? नहीं है। 6 है क्या? है। सिर्फ एक नंबर कॉमन आया, वो है 6। अब इसकी प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ की, एक नंबर कॉमन है कितने में से? 6 में से। आपको जो मिलना था वो मिल गया, ई बाई एफ पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना? 1/6। और एपीएस कितना है? 1/2। तो 1/6 इंटू 2/1 यानी कि आंसर आपका 1/3। क्या सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो मैं क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, दो क्वेश्चन है वो थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन एक वैरायटी में करवाता हूं, एक आप लोग कोशिश करना, ठीक है? देखते आइए अगले क्वेश्चन। अगला सवाल देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 8। इन अ क्लास 30% स्टूडेंट फिजिक्स से फेल। वाह तुमसे कितना मिल रहा है सवाल देखो। 30% स्टूडेंट फिजिक्स में फेल हो गए, 25% फेल्स इन मैथ, 25% मैथमेटिक्स में फेल हो गए और 10% लोग की किस्मत बहुत ही अच्छी थी वो दोनों में लड़ते हैं 10%। हमने एक स्टूडेंट रैंडमली चूज किया, वी चूज अ स्टूडेंट रैंडमली, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट दिस स्टूडेंट फेल्स इन मैथ, हमने जो चूज किया वो मैथमेटिक्स में फेल हो गया। If it already fails in physics, अगर वो physics में already fail हो चुका है, मतलब जब हमने choose किया तो हमें पता पड़ा कि साहब ये math में fail हो गया है और वो पहले से ही fail हो चुका था physics में, इस चीज की probability अपन को पता करनी है। तो आए देखें solution। देखें सबसे पहले E event क्या है कि साहब वो find the probability that this student fails in math, यानी कि अपन को पता क्या करना है कि this student fails in मैथ, ठीक है ना क्लास। ये स्टूडेंट मैथ में गया, अब मैथ में कितने परसेंट गए हैं? 25%। अब देखो यहां पर ऑलरेडी 25%, तो सैंपल स्पेस की जरूरत ही नहीं, 100 स्टूडेंट थे। परसेंटेज गिवन टाइम में से होती है, परसेंटेज ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 100 होता है ना। तो यहां पर कितने स्टूडेंट 25 फेल हुए हैं, कितने मैथ फॉर्म में से, तो वो 25% के हिसाब से इस तरीके से बना के दिया उन्होंने ऑलरेडी गिवन। तो अपन को बस ये है 25%। तो प्रोबेबिलिटी अगर मैं देखूंगा ई इवेंट हो रहे की, तो वो 25% है, यानी कि 25/100, यानी कि वैसे देखा जाए तो 1/4। अच्छा अब बात करते हैं अपन के साथ ये फेल्स इन फिजिक्स, फेल्स इन फिजिक्स एफ हो गया, क्योंकि क्वेश्चन यही तो बोल रहा है कि इन मैथमेटिक्स इफ इट ऑलरेडी फेल्स इन फिजिक्स, मतलब वो पहले से ऑलरेडी का मतलब पास हो चुका है टाइम में फिजिक्स में, तो अपन उस इवेंट को एस लिखते हैं जो ऑलरेडी हो चुका हो। तो क्या हो चुका है कि वो फिजिक्स में फेल हो चुका है, और वो फिजिक्स में जब फेल हो चुका है तो उस चीज का परसेंटेज कितना है? 30% है। 30% को मैं लिखता हूं आपका 30/100, तो अपन का ये हो गया 3/10। ये प्रोबेबिलिटी हो गई एफ इवेंट होने। अब कॉमन टर्म क्या है? कॉमन मतलब ई इंटरसेक्शन एफ, यानी कि दोनों में फेल होगा, फेल्स इन बोथ मैथ एंड फिजिक्स। उसकी किस्मत अच्छी थी, वो 10% दोनों में फेल हो गया, प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ यानी कि 1/10। अब क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सी चीज पूछ रहा है, ई बाई एफ यानी कि पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, है ना क्लास। ये है आपका 1/10 और पी एफ कितना अपन का? 3/10, है ना। ये कितना अपन का? 3/10 कट गया, आपका आंसर 1/3। समझ में आया? सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा खासा क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को उतारो, इसी के बिहाव पे आपको एक और क्वेश्चन मिलता है जो थोड़ा सा ऐसे अपग्रेडेड लेवल का। ये क्वेश्चन क्लास आज का लास्ट क्वेश्चन है, करना आपको ये, मैं समझा देता हूँ क्या है। इन अ स्कूल 25 स्टूडेंट फेल्स इन मैथ, एक स्कूल में 25 बच्चे फेल हुए मैथ में, 15 स्टूडेंट फेल्स इन केमिस्ट्री, 15 बच्चे फेल हुए केमिस्ट्री में,
और 10 बच्चे दोनों में थे। जैसी मतलब फॉर्म में से बात चल रही है। चूज अ स्टूडेंट रैंडमली, हमने एक स्टूडेंट का से रैंडमली उठा लिया। पहला क्वेश्चन है इफ इट इज फेल्स इन केमिस्ट्री देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज फेल्स इन मैथ, ये ई है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो ये ई हो गया कि वो मैथ में फेल है। और एस क्या होंगे ना, इफ इट इज फेल्स इन केमिस्ट्री। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल इसका उल्टा है, इफ इट इज फेल्स इन मैथ देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज आल्सो फेल इन केमिस्ट्री। इस सवाल को उतारें, इस सवाल को करें, ई का और एफ का सारा गेम है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के मैक्सिमम क्वेश्चन थे जो मैं करवाना चाह रहा था आपको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यही तक लिमिटेड है। इस सवाल का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दें। और अब मैं आपको लेकर चलूंगा अगले लेक्चर में इंडिपेंडेंट इवेंट्स और कुछ और बड़े क्वेश्चन की तरफ जो आपकी अगली एक्सरसाइज है। तो इस क्वेश्चन को करिए, कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर दीजिए। जिनको बेसिक प्रोबेबिलिटी नहीं आती है, डिस्क्रिप्शन में लिंक देखें। बाकी चैनल्स का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, सबको देखें। लेक्चर को शुरुआत से लेकर अंत तक करें, नोट्स बनाएं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।